सर मेरे दोस्तों ने मेरे साथ विश्वासघात किया सर, उन्होंने मुझे शराब पिलाया, मुझे बेहोश किया और बेहोश में जब मैं बेहोश होगा तो लोगों ने मेरी बीवी का रेप कर दिया सर। आप सिर्फ आपके दोस्तों का नाम बताइए। सर पप्पू, राजू, कृष्णा। हाँ पप्पू, राजू। हाँ कृष्णा। कुछ याद करो। मुझे कुछ याद नहीं है। उसका हुलिया याद करो ताकि हम उस अपराधी को सलाखों के पीछे डाल के उसे सजा दे पाए। हाँ वो छड़ी टेक कर चलता था। कैसी शादी हो रही है मंदिर में? ना बैंड बाजा है ना भारत। छोड़ना यार, दोस्त है अपना, नहीं है पैसे, गरीब है वो, नहीं बैंड बाजा कर सकता है। और किस रिवाज में लिखा है ये बैंड बाजा होगा तभी बारात आएगी, तभी शादी होगी। सही कह रहा है यार, आखिर दोस्त है। अबे कौन कहता है सच्चा प्यार नहीं मिलता? अगर आशिक मेरे कैलाश जैसा हो सच्चा प्यार जरूर मिलता है। तुम लोग नहीं उल्टे ना तो मेरी सुनीता से कभी शादी नहीं हो पाती। आज मेरी शादी हो पाई है सुनीता से, जैसे तुम लोगों को वाला मेरा प्यार मेरे अंदर घोट घोट के मर जाता। मैं तो आगे मेरे जाना सुनीता मर जाएगा। अरे इंतजार करने देते भाभी को, पूरी रात बाकी है, थोड़ी खत्म कर ले। एक पैक मेरी दोस्ती की मोहब्बत के नाम। कैश 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 अरे होगा तो हो गया हो काम। चलो अभी अपना काम, अपना भी काम खत्म। भाभी भैया आए ना तो आप बिल्कुल बात मत करना। और ये लो भैया के हिस्से का भी दूध आप पी जाना, ठीक है? रख दो वहां पे। मैं जा रही हूं। ठीक है।
सच बोल रहा हूँ साहब, हम लोग निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया। सच बोल रहा हूँ साहब। और तूने क्या किया है सुनीता के साथ? सब माफ कर दिया, हमने कुछ नहीं किया था। तुम्हारी ये घिनौनी हरकत एक मासूम की जिंदगी बर्बाद, दोस्ती का गलत फायदा उठाते हो। तूने क्या किया? सच बोल, क्या तूने? बताओ तुमने क्या किया सुनीता? सर नशे में हम लोग का मन खराब हो गया था, तो हम कैलाश के घर गए थे सर, लेकिन जब उसकी बहन को देखा तो हम लोग वापस आ गए सर। अभी अकेली है घर पे? अरे उसकी बहन साथ में। मुझे लगता है ना अपना पूरा प्लान चौपट हो गया। ढाबा बोलो क्या? पागल हो गए क्या? यहाँ पकड़े गए तो पिटेंगे, अगर पुलिस से पकड़े गए तब भी पिटेंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं, जैसे उसकी बहन कमरे में चली जाएगी हम लोग ढाबा बोल देंगे। मतलब तुम तीनों कमरे में नहीं गए? नहीं साहब। उस दिन आप सुनीता के कमरे में थी? जी सर। जब आपके भाभी के साथ गलत हो रहा था तब आप कहाँ पर थे? मैं नहीं थी, मैं अपने घर पर थी। आपका कमरा और सुनीता जी का जब कमरा कितने दूरी पर है? बाजू बाजू में है। जब भैया नहीं आया तो मैं अपने रूम पे जाके सो गई। ओके, आप जा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते सर। हाँ कैलाश बैठो। देखो तुम्हारे बीबी के दूध में किसी ने नशे की गोली डालकर उसे पिला दी, जिससे वो बेहोश हो गई। क्या तुम जानते हो किसने किया? नहीं सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। देखो कैलाश, सच बता दो। अगर हमें सच्चाई का पता चला तो तुम नहीं बचोगे, तुम्हें तकलीफ होगी। सच बता दो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। सर आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। एक बार मेरे दोस्तों को तो पकड़िए। वो तो पकड़ ही लेंगे, आप जा सकते हो। तीन रास्ते हमें चौथे रास्ते तक पहुंचाएंगे। ओके सर। वक्त बताएगा। पुलिस का टेंशन बढ़ता जा रहा है। अगर सुनीता को कुछ याद आ गया और उसने ऐसा वैसा बयान दिया, हम लोग फंस सकते हैं। ओ तू टेंशन ना ले, और तेरे साथ में है लाला, तेरा मुंह कभी नहीं होने देगा काला। अरे तू फिक्र ना कर पुलिस पुलिस की। और ये ले, ये 5,000 रुपये और रख अपने पास, जा आज कर। ये किस लिए? अरे तेरी बीवी वर्जन तो थी, इसकी क्या जरूरत थी? तो मैं आपसे कभी भी ले लेता। ए सर 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 मुंबई पुलिस, सर लंगड़ा भाई रे चाल। साहब साहब हमने किया क्या है? अरे तू ये वो बलात्कारी गरीब के लड़की के साथ खिलवाड़ करेगा? साहब सुनो तो सही, अब जो भी सुनना सुनाना है ये पुलिस स्टेशन में होगा। सच बताओ। सर गलती हो गई सर, गलती हो गई सर। ए सोने की दुकान, क्या किया तूने? क्या किया? ओ साहब हाथ में लगाना, हम लोग इज्जतदार आदमी। ए तुझा इज्जत अच्छा इज्जा पापता सर का बोलेल। ओ लाला तेरी सच्चाई मैं इस दुनिया के सामने लाऊंगा, और तब ये लाला तेरा मुंह हो जाएगा काला। सच बता। साहब साहब मैं सब बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ साहब। कैसे लगा? सेठ जी नमस्ते।
अरे कैलाश बेटे, कैसे आना हुआ? आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? बस ऐसे जा रहा था तो सोचा मिलते भी चलूं, और कुछ काम भी था आपसे। आओ आओ बैठो बैठो। लाला जी, आपको पता है मैं शादी कर रहा हूँ। तो करो ना बेटा, करो करो। मुझे 1,00,000 रुपये चाहिए, प्लीज मना मत करिएगा, मुझे शादी करनी है प्लीज। अरे बेटा ये क्या है देख रहे हो? ये है प्रॉपर्टी की फाइल। अगर तुम्हारे पास में कोई प्रॉपर्टी के पेपर है तो पैसे ले जाओ भाई, हमारा काम तो बैंकों की तरह है, एक हाथ लो और दूसरे हाथ दे दो। आप तो जानते ही मेरे पास कुछ नहीं है, एक घर है वो भी बहन के नाम से है। आप चाहे तो मेरे से दुगने ब्याज आपको दे दूंगा, प्लीज मैं आपको दुगने ब्याज दे दूंगा भाई। पैसा तो मैं तुमको दे दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। कैसी शर्त? भाई शादी तुम कर लो और स्वागत हम मना लेंगे भाई। इतना क्या सोच रहे हो भाई, अपने साले को ही तो पैसे देने हैं, उसी की बहन से लेकर उसी को दे दो, इसमें तेरा भी भला है और मेरा भी भला है। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात। चलो बेटा जाओ शादी करो, लेकिन हमें मत भूलना। कौन है वहां पर? मैं हूं तुम्हारा कैलाश। नहीं, तुम कैलाश नहीं हो। मैं कैलाश ही तो हूँ।